जय हिंद दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिब टूल को यूज करना सीखेंगे। ये सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज का 43वां ट्यूटोरियल है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं और ये क्या है। आ जाते हैं अपने सॉलिड वर्क इंटरफेस पे और कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ये रिब टूल होता क्या है। यहाँ पे देखेंगे आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, इसको डीसेलेक्ट करते हैं। ये चलिए पहले कोई स्केच बना लेते हैं, तब देखते हैं कि मान लीजिए हम कोई जल्दी से एक अपने लिए रिब टूल यूज करने के लिए एक मॉडल बना लेते हैं। अब जल्दी से इसको ट्रिम कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे इसको एक लाइन दे देते हैं। ये इस मॉडल को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस में भी आ जाता है। और यहाँ से हम ट्रिम करते हैं, पावर ट्रिम का यूज करते हैं। चलिए ऊपर का ट्रिम कर लिए हैं, अब नीचे में जो है उसको ट्रिम करते हैं। यहां पे भी है एक छोटा सा, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। अब इसको हम सिंपल एक्सट्रूड कर लेते हैं। कंडीशन रखेंगे मिड प्लेन का और कुछ थिकनेस मान लीजिए कि 80 mm थिकनेस का कर लिए। अब रिब टूल देखेंगे, यहाँ एक्सट्रूडेड बॉस बेस में आके यहाँ ड्राफ्ट के ऊपर देखेंगे तो ये रिब टूल है। इसका यूज होता है कि किसी भी सरफेस पे, कर्व सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो, उस पर एक वाल ऐड करने के लिए। आप वाल ऐसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्लोज एक ज्योमेट्री बना के और उसको एक्सट्रूड करके। उसे सिंपल करने के लिए आप रिब टूल का यूज करते हैं। जैसे रिब टूल सेलेक्ट करके और हमें इसे बीचों बीच में राइट प्लेन में ऐड करना है, तो ये देखिए सिंपल एक यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन करेंगे और एग्जिट करेंगे। ये देखिए ये डायरेक्शन नीचे है, यहाँ से कंडीशन देख लेंगे। ये एक साइड है, ये लेफ्ट साइड में आएगा, इसे राइट साइड में जाएगा और ये मिड प्लेन। यहाँ से इस वॉल का थिकनेस घटा बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये ऊपर मटेरियल की ऊपर और नीचे की ओर है और ये साइड में है। ये देखिए ये साइड में हो गया, यहाँ से ऊपर नीचे भी हो जाएगा। डायरेक्शन फ्लिप करने के लिए यहाँ से डायरेक्शन फ्लिप कर लेंगे और ये ड्राफ्ट एंगल भी दे सकते हैं इसमें। पहले इसको देखते हैं, ये देखिए एक वाल यहाँ पे क्रिएट हो गया सिंपल एक लाइन की हेल्प से। वही अगर इसे एक्सट्रूड करना होता तो ज्योमेट्री बनाने में बहुत टाइम लगता। ये इसको एडिट फीचर कर लेते हैं और ड्राफ्ट देख देखते हैं। ड्राफ्ट पे क्लिक किए, कुछ एंगल दे देते हैं, मान लीजिए 9 डिग्री। अभी आउटवर्ड है ड्राफ्ट, ये देखिए ये यहाँ से बाहर की ओर आउटवर्ड की ओर ड्राफ्ट हुआ है। अब यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से अनचेक कर देंगे तो ये इनवर्ड ड्राफ्ट हो जाएगा। ये देखिए सिंपल, ये यहां से पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि 9 डिग्री जब देंगे तो यहीं पे ये कट हो जाएगा। तो चलिए ये था रिब टूल का यूज, और चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं रिब टूल में। जैसे कि इसको कुछ कम कर देते हैं,
दो तीन डिग्री। अब देखिए ये सिंपल ये रिब टूल का यूज था। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।